जेट, हेलीकॉप्टर जेट टाइप के। और भाई साहब देख सकते हो, अरे हेलीकॉप्टर भी गिर गया, कितने सारे जेट नीचे गिर रहा है। हेलो दोस्तों, कैसा हो आप लोग? दिस इज टाइटन ताज। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कैसे आप डॉग को बिना कैरेक्टर के आप चला सकते हैं, फिर कैसे आप बाइक को लेके इस दीवार के अंदर आप ऐसा चला सकते हैं, और उसके बाद आप कैसे जेसीबी और टैंक को लेके दोनों एक साथ कंट्रोल करके आप जेसीबी को लेके टैंक को उड़ा सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को सीखना है कैसे आप अपने एनपीसी को जेली की तरह ऐसा बना सकते हैं, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखना, इसमें मैंने आपको पूरी तरह से आपको बताया। तो दोस्तों पहले वाला एक ग्लिच है, अगर आप बोट को लेके एकदम सीधा ऐसा भगाओगे, मतलब इस पानी के एंड की तरफ चले आओगे, तो आपका बोट यहाँ पे फ्लाई होएगा। और दोस्तों अगर आप आगे देखोगे आपको पानी के अंदर ऐसा कुछ दिखेगा जैसे कि जमीन खत्म हो रहा है, मतलब आगे कोई कलर डिफरेंस देख सकते हैं आप, तो वो मतलब उसके अगर बाहर अगर मैं गिरूंगा तो मेरा कैरेक्टर इन्फिनिटी वॉर्ड में चले जाएगा। तो अभी मैं आगे पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अभी जमीन के उस तरफ चले गया हूँ और पानी का कलर पूरा यहाँ पे डार्क हो गया, मतलब भाई साहब अगर यहाँ पे मैं गिरूंगा नीचे तो सीधा इन्फिनिटी वॉर्ड पे। जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे आपको एक चीज दिखेगा, अभी एक बहुत खतरनाक चीज, यहाँ पे पानी खत्म हो गया है। और भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा बोट यहाँ पे फ्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आपका बोट का टर्न बहुत ही फास्ट होता है भाई साहब, बहुत इजीली मैं टर्न कर सकता हूँ बोट को। और दोस्तों आप वापस पानी के ऊपर भी चल सकते हैं ऐसा जैसा आप देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब आप चलाओगे बोट को तो मेक श्योर अगर आपका बोट टर्न ना हो, अगर ऐसा टर्न हो जाएगा तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, और अगर आप गिरोगे बोट से तो आपका कैरेक्टर इन्फिनिटी वॉर्ड पे चले जाओगे। और अगर आप फ्रंट वाला कैमरा डालोगे यहाँ पे एक चीज, तो आपको एक बहुत ही ऑसम व्यू दिखेगा। चलिए दोस्तों अगले ट्रिक की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों इस वाले ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जेसीबी को लेके पूरा टैंक को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब टैंक का जो गन होता है वो भी आप पूरा ऊपर नीचे आप घुमा भी सकते हैं। सबसे पहले आपको टैंक यहाँ पे स्पॉन करना पड़ेगा 4040 टाइप करके, उसके बाद आपको यहाँ पे कौन सा भी टू व्हीलर स्पॉन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं KTM बाइक स्पॉन करूंगा 1210 टाइप करके, उसके बाद मैं टू व्हीलर का और टैंक का वाला एंट्री वाला बटन दोनों साथ में एक साथ दबाऊंगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं टैंक और बाइक मेरे कंट्रोल में आ गया है। और अगर आप ऐसा पंच करोगे तो आप देख सकते हैं टैंक भी फायर कर रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप जेसीबी को स्पॉन करोगे 6677 टाइप करके, उसके बाद दोस्तों आपको सीधा जेसीबी के अंदर बैठ जाना है। और जैसे कि आप बैठ लेते हैं और अगर आप आगे पीछे चले जाते हो तो टैंक भी वैसा कंट्रोल हो जाता है, तो यहाँ पे टैंक फायर भी हो रहा है। और अगर मैं जेसीबी के आगे वाला हिस्सा ऊपर नीचे कर लेता हूँ तो आप देख सकते टैंक का गन भी ऊपर नीचे चले जाता है, तो यहाँ पे मैं इजिली पूरी तरह से आप टैंक को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और इस गेम में शायद ही कोई व्हीकल होगा जहाँ पे आप टैंक का गन को आप ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिना कैरेक्टर के डॉग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डॉग स्पॉन करना पड़ेगा 600 टाइप करके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी एक फोर व्हीलर स्पॉन करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे एक फरारी स्पॉन करूंगा 8811 टाइप करके। तो सिंपली आपको अभी डॉग के ऊपर बैठ जाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको डॉग को इस स्विमिंग पूल के एंड के एज में आपको लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप एग्जिट करोगे तभी आपको डॉग के ऊपर बैठ जाना है। और जब आप बैठोगे तो आप देख सकते हैं मेरा कैरेक्टर उड़ गया है, मतलब जमीन के अंदर चले गया, और डॉग के ऊपर कोई भी कैरेक्टर नहीं है। और अगर आप आगे पीछे करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग भी कंट्रोल हो रहा है। और दोस्तों आप स्विमिंग पूल पे तो आपको इस गाड़ी के ऊपर डॉग को लेके जाना, आप देख सकते हैं भाई साहब डॉग अभी स्विमिंग पूल के बाहर चले गया है, तो मतलब अभी डॉग को आप कहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगर आप डॉग को एनपीसी को अटैक कर सकते कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक एनपीसी इसको अभी काट लेते हैं। चल भाई तू काट। अरे भाई लग रहा क्यों नहीं? ओ भाई सही यार, डॉग पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो अभी मैं पुलिस स्टेशन के वहाँ पे चले गया हूँ, तो यहाँ पे इसको अटैक करके देख लेते पुलिस वालों को। भाई पुलिस वालों को नहीं काटता है, बहुत ही वफादार कुत्ता है ये तो पुलिस वालों का, तो मतलब ये वाला डॉग पुलिस का शायद होगा। तो दोस्तों इस वाले ट्रिक में जेट फाइटर और हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरते रहेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको RGS टूल खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऊपर का स्लो मोशन बटन दबा के आपको जल्दी से हेलीकॉप्टर एंटर, और उसके बाद तुरंत आपको जेट भी दबाना है। तो जैसे आप दबाओगे आपको एक एक्सप्लोशन का आवाज आएगा, तो फटाफट से आपको हेलीकॉप्टर जेट ऐसा टाइप करते रहना है। तो या फिर मैंने काफी टाइप किया है, तो अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भाई साहब जेट्स पूरा गिर रहा है ऊपर से, भाई साहब बहुत ही कूल ट्रिक है। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी गिरना चाहिए पर यहाँ पे आपको दिखा नहीं, तो वापस से करके देख लेते हैं ट्रिक। यहाँ पे स्लो मोशन दबा के फिर से मैंने हेलीकॉप्टर जेट टाइप किया, और भाई साहब देख सकते हो अरे हेलीकॉप्टर भी गिर गया, कितने सारे जेट नीचे गिर रहा है। दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी ये ट्रिक ट्राई करके देख लेना, क्योंकि आप लोग को भी काफी मजा आएगा। दोस्तों इस वाले ट्रिक में मैं आपको एक दीवार की तरफ लेके जाऊंगा, और वहाँ पे आप बाइक को दीवार के अंदर आप लेके जा सकते हैं, मतलब आप बाइक को दीवार के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। तो
यहाँ से आपको इस तरह घुमाना है और सीधा आपको यहाँ से आपको भगाना है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये बिल्डिंग सामने वाला देख सकते हैं, इस दीवार के अंदर जा सकते हैं। अरे भाई यहाँ पे तो मेरा बाइक अंदर नहीं गया है, पर ट्राई कर लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बाइक अंदर चले गया है, जमीन के अंदर मतलब दीवार के अंदर, और यहाँ पे आप चला सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी बाइक को लेके इसके अंदर आप जा सकते हैं, और एग्जिट करना है तो बहुत इजीली आप बाहर एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस वाला ग्लिच में काफी लोग को पता रहेगा, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो ये जो पुलिस वाला देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, इसको अगर आप मारोगे तो ये एक तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, सबको अभी मैं अटैक करूंगा। तो यहाँ पे इन लोग को मैं खत्म कर देता हूँ, तो गन से मार दूंगा। तो चलो ये मर गया, तो अभी ये वाला बच गया, तो इसको मारते अभी फिलहाल। तो ये रहा, और भाई साहब पूरा सूटकेस की तरह फोल्ड हो गया। भाई क्या ग्लिच है यार इसके ऊपर, इसका बॉडी देखो यार पूरा फोल्ड हो गया है भाई साहब। और दोस्तों इसका फेस को देखो यार, ऐसा लगता है कुछ होल है इसके फेस के अंदर। भाई क्या है ये चीज, तो जूम करके देख लेते हैं। भाई साहब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया यहाँ पे, बहुत ही खौफनाक चीज हो गया इसके साथ। दोस्तों आप लोगों को पता रहेगा कि टारगेट लॉक, अगर आप RGS टूल में टाइप करोगे तो आपका यहाँ पे टारगेट लॉक मोड आ जाता है, पर अगर आप सिर्फ लॉक टाइप कर देते हो तो उससे भी आपका टारगेट लॉक वाला मोड ऑन हो जाता है, और लॉक स्पेस ऑफ टाइप करोगे तो टारगेट मोड ऑफ भी आ जाता है। दोस्तों और एक चीज बताना था कि अगर आप लोगों को पता नहीं रहेगा, अगर आप बैक वाला बटन दबा देते हो तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर रीसेट हो जाता है। यहाँ पे मैं एक बार बैक दबा रहा हूँ, आप ये ट्राई कर लेना। अगर आप एक बार बैक दबा देते हो तो आपको एग्जिट करने का जरूरत नहीं, अपने आप आपका गेम रीसेट हो जाता है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों के साथ ये सब ट्रिक शेयर करना था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों विद और भी ग्लिचेस और सीक्रेट्स इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज टाइटन ताज।